नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AS Academy। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं मैथ्स के दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि कमजोर छात्रों से लेकर जो आपके इंटेलिजेंट छात्र हैं उनके लिए भी जरूरी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप इस हिसाब से देखना कि आपको यदि कुछ भी नहीं बनता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको एक भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और दोस्तों अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक का हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले क्या देखना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी संख्या या नंबर में शून्य का गुणा करते हैं या किया जाता है तो शून्य ही प्राप्त होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गलतियां कर देते हैं कि माना कि कोई संख्या पी है, यदि मैंने इसमें गुणा जीरो का किया तो इसका मतलब क्या होगा। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूजन में ये होते हैं कि इसका इनफाइनाइट होता है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर जीरो ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या में हम जीरो का गुणा करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है। जैसे दोस्तों मैंने अभी p इंटू जीरो किया, यदि मैं जीरो इंटू p कर दूं तब भी इसका आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यदि एक संख्या से गुणा करके देखूं कि यदि मैंने मान लिया कोई संख्या 6 है, 6 में यदि मैंने 0 का मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यदि मैंने 0 इंटू 6 कर दिया तो इसका आंसर दोस्तों 0 ही आएगा। आप कैसे भी इसका गुणा कर लें, चाहे आगे पीछे कुछ भी कर लें, इसका आंसर दोस्तों आपका जीरो ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या में हम जीरो का गुणा करते हैं तो हमारे लिए जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे 3 × 0 × 5 × 10, इसके बीच में यदि जीरो है तो इसका मल्टीप्लाई दोस्तों जीरो ही होगा, यानी इसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको इसमें क्लियर कर रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट्स जरूर करना। दोस्तों तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि यदि किसी भी संख्या में हम जीरो का गुणा करें तो उसका आंसर सदैव जीरो ही होता है। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी संख्या या नंबर में शून्य से भाग करते हैं या किया जाता है तो उसका जो आंसर होता है वह अनंत प्राप्त होता है। जैसे यदि कोई संख्या है दोस्तों p, यदि कोई संख्या p है, मैंने इस p में यदि जीरो से भाग दिया तो हमारे लिए जो आंसर प्राप्त होगा वो इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या में मैंने जीरो से भाग दिया तो हमारे लिए हमेशा क्या, इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लूं कि एग्जाम्पल में यदि मैंने कोई संख्या 14 है, इसमें जीरो का भाग दिया तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट प्राप्त होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमेशा जीरो बचा देते हैं। दूसरा यदि एग्जांपल मैंने सपोज 285 लिया, इसमें जीरो का भाग दिया तो मुझे इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड मान के चलिए, वो क्यों ना चाहे 1000 की संख्या में हो चाहे 2000 की संख्या में हो, यदि हम उसमें जीरो का भाग देंगे तो हमारे लिए इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो हमारे लिए इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने दो कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जब हम किसी शून्य में किसी संख्या या नंबर का भाग करते हैं तो हमारे लिए शून्य ही प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना है, जब हम किसी शून्य में, माना कि ये जीरो है, मैंने एक संख्या पी का भाग यदि जीरो में दिया तो मुझे जीरो ही प्राप्त होगा। ध्यान रखना, किसी संख्या में यदि मैंने किसी जीरो में या किसी शून्य में मैंने संख्या से भाग दिया तो मुझे हमेशा जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें दोस्तों, 0/9, मतलब जीरो में मैंने यदि 9 से भाग दिया तो मुझे जीरो ही प्राप्त होगा। यदि मुझे जीरो में मैंने 50 का भाग दिया तो मुझे जीरो ही प्राप्त होगा। यदि जीरो में मैंने 1000 का ही भाग दिया तो मुझे जीरो ही प्राप्त होगा।
तो ध्यान रखिएगा, किसी भी शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपको यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है मैथ्स पढ़ने का दोस्तों। तीसरा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल एक प्राप्त होता है। माना कि कोई भी संख्या पी है और पी को पी से ही भाग दिया जाए तो पी से भाग दिया जाएगा तो हमेशा एक बचेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें दोस्तों, मैंने 16 कोई संख्या है और 16 को 16 से भाग दूंगा तो हमेशा एक प्राप्त होता है। यदि मैंने 18 को 18 से भाग दिया तो दोस्तों एक प्राप्त होगा। सेम कंडीशन में यदि 2480 का मैंने 2480 से ही भाग दिया तो मुझे हमेशा एक ही प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देना मतलब उसको खुद को खुद से भाग देना मतलब एक प्राप्त होता है। इस बात को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है और बहुत इजी है और पता होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। यदि कोई संख्या मान लिया पी है, पी की पावर जीरो, इसका मान हमेशा ही एक होता है। इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि 7 की पावर जीरो बराबर इसका मतलब एक है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने देखा 7 की घात जीरो मतलब इसका एक आंसर होगा, ठीक है। यदि 50 की घात भी जीरो है तो इसका आंसर एक ही होगा। यदि 2400 की घात भी जीरो है तो दोस्तों इसका आंसर भी एक होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या की घात यदि जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा दोस्तों कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है इन कॉन्सेप्ट में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जोड़ और घटाना से बताएंगे आपको कि जोड़ घटाना में कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें भी अधिकतर स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, जब हम धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हमेशा ध्यान रखना कि धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली देखा है, यदि मैं बोल दूं किसी भी स्टूडेंट्स को कि भैया प्लस और प्लस ऐड होगा तो क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि प्लस और प्लस ऐड होगा तो माइनस बन जाएगा। ये मैंने रियल देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। तो ऐसी गलती कहीं आप मत कर देना, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहा हूं। तो ध्यान रखना कि जब हम किसी भी संख्या दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। यदि मैंने कोई धनात्मक संख्या जैसे 3 प्लस 9 ले ली, अब दोनों संख्याएं आपको पता है कि धनात्मक हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो वो संख्या धनात्मक ही मानी जाती है। जैसे 3 के सामने कुछ नहीं लगा मतलब ये संख्या आपकी धनात्मक ही मानी जाएगी। तो 3 और 9 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 12, तो आपका आंसर भी धनात्मक मिला। ध्यान रखना, हम इसको 3 प्लस 12 लिख लिया तो मुझे प्लस का 15 मिला, ये आंसर है। ध्यान रखना कि जब धन और धन जोड़ता है, यदि धन प्लस धन को ऐड करोगे, प्लस प्लस को ऐड करोगे तो प्लस ही होगा दोस्तों, ना कि माइनस। ऐसी कभी गलती आप मत कर देना। क्लियर कॉन्सेप्ट कि जब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद चिन्ह ऋणात्मक आता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, मैंने आपको जैसा पहले एग्जांपल बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनसे बोलो भैया माइनस और माइनस क्या होता है, तो वो बोल देते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब धन हो जाता है।
तो ये हंसने वाली बात हो जाती है कि यार ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको माइनस और प्लस और प्लस और माइनस और प्लस और प्लस और माइनस माइनस का आइडिया नहीं है। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। मैंने क्या लिखा, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती हैं। यदि कोई ऋणात्मक, माना कि कोई संख्या ऋणात्मक p है और दूसरी ऋणात्मक संख्या p है, यदि ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो माइनस का 2p होगा। ध्यान रखना, जब माइनस और माइनस हमेशा कभी प्लस नहीं होता है, ऐसी गलती मत करना। माइनस और माइनस जुड़ता है तो माइनस ही बनता है। यदि मैंने माइनस का 5 लिया एग्जाम्पल के तौर पर और माइनस का 2 लिया तो मुझे माइनस का 7 ही मिलेगा। यदि मैंने माइनस का 9 लिया और माइनस का 9 लिया तो माइनस का मुझे 18 ही प्राप्त होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब दो माइनस की संख्याएं, यानी जब दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो उनका जो योग होता है वो ऋणात्मक ही होता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको रिवाइज भी करके बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करा दूंगा। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या हमेशा आपस में घट जाती हैं। ध्यान रखना, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वह आपस में घट जाती हैं, यानी माइनस हो जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा उसी संख्या का आता है जो बड़ी होती है। यदि ऋण की संख्या बड़ी है और धन की संख्या छोटी है तो हमेशा ऋण का चिन्ह आएगा। यदि धन की संख्या बड़ी है और ऋण की संख्या छोटी है तो हमेशा आपका धन आएगा। देखो, ऋण की संख्या यदि आपकी बड़ी है और धन की संख्या यदि आपकी छोटी है तो आपको क्या आएगा, ऋण आएगा। यदि धन की संख्या आपकी बड़ी है और ऋण की संख्या आपकी छोटी है तो आपको मिलेगा धन। क्लियर बात। इसमें आपको इन चिन्हों में किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैंने ऋण की संख्या 19 ले ली और धन की संख्या 10 ली तो मुझे 19 में से 10 जाएगा तो माइनस के 9 बचेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का ही उसमें चिन्ह आता है, चाहे वो ऋण की हो चाहे धन की हो। यदि मैंने प्लस का 19 ले लिया और ऋण का 10 ले लिया तब मुझे कितना बचा, 9 बचेगा। लेकिन ये देखिएगा, इधर पे प्लस का 19 है और यहाँ पे ऋण का 10 है, मतलब ऋण की संख्या छोटी है धन की बड़ी है, इसलिए इधर पे धन का चिन्ह आया है। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको बेसिक क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, जोड़ना घटाना से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। और बता दूं दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है, इसलिए आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, कहीं वीडियो को अपने से तक सीमित मत रखना। अब हम गुणा से रिलेटेड कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अधिकतर उनसे पूछो कि भैया धन और धन का गुणा होगा तो क्या होगा, उनसे पूछो धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, उनसे पूछो यदि ऋण और धन का गुणा होगा या धन ऋण का गुणा होगा या ऋण ऋण का गुणा होगा, तो इसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं बिल्कुल क्लियर बात कि इसको आपको कभी भूलना नहीं है। इसमें सिर्फ चार बातें ध्यान रखना। यदि आपका दोस्तों धन का और धन का गुणा होता है, मतलब प्लस और प्लस का गुणा होगा तो हमेशा आपका प्लस आएगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है, यदि आपका प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस का गुणा होगा तो हमेशा आपका माइनस आएगा। तीसरी बात, यदि आपका माइनस का और धन का गुणा होगा तो आपका माइनस आएगा। चौथी बात, यदि माइनस का और माइनस का गुणा होगा तो आपका धन आएगा। क्लियर। इतनी बात आपको गुणा में कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है। अब मैं यदि आपको इसके एग्जाम्पल बताऊं तो कैसे, देखिएगा इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, धन ऋण, ऋण और धन। यदि मैंने मान लिया
धन के चार लिए और धन के दो लिए इसका इसका गुणा करूंगा तो मुझे धन का आठ मिलेगा। देखिएगा धन का गुणा तो आठ। अब मैंने यदि पांच लिया धन का और दो लिया ऋण का, इसका गुणा करूंगा तो पांच दूनी दस, माइनस का मिलेगा मुझे दस। अब यदि मैंने ऋण का लिया दो और धन का लिया सात तो मुझे ऋण का मिलेगा चौदह, ठीक है। अब यदि मैंने ऋण का लिया तीन और ऋण का लिया चार तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तीचों को बारह, यानी बारह मिलेंगे आपको धन के। अब आपको इस बात का मैं क्लियर कट कर दूं कि ध्यान रखना कि जब आपका दो माइनस का मल्टीप्लाई होता है, यानी आपकी जब माइनस सम हो, यानी आपका संख्याओं में जैसे आपको माइनस ध्यान रखना, जब ऋण आपका सम हो तो आपका क्या होता है धन आता है। यदि गुणा में आपका ऋण लगा हो सम आता हो तो उसमें हमेशा धनात्मक संख्या आती है, और यदि विषम आती हो तब हमेशा क्या आता है ऋण आता है। यदि ऋण लगा हो विषम हो तो आपका ऋण आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने लिख दिया दो गुणित माइनस का एक, गुणित माइनस का दो, गुणित चार, गुणित तीन, गुणित पांच माइनस का, गुणित माइनस का दो, यही लिखा मैंने। अब इसका मुझे यदि गुणा करना है तो इसमें ऋण देख लो, ऋण की संख्या यदि सम में आएगी तो हमेशा धन का चिन्ह आएगा, और ऋण की संख्या यदि विषम में आएगी तो आपका माइनस आएगा। देखिएगा ऋण ये किधर लगा, ऋण ये किधर लगा, ऋण ये किधर लगा और ऋण ये किधर लगा। ऋण की संख्या कितनी हो गई चार। जब ऋण की संख्या चार हो गई तो ऋण की संख्या क्या है सम है, और मैंने बताया कि जब ऋण की संख्या सम होती है तो आपका हमेशा आंसर प्लस में आता है। तो देखिएगा दो पंचे दस, दस त्रिक तीस, तीस का गुणा चार में करोगे तो 120, 120 का दो में गुणा करोगे तो 240, 240 का गुणा एक में करोगे तो 240, 240 का गुणा दो में करोगे तो 24 दूनी 48, यानी ये मिलेगा आपको 480 आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए कि यदि ऋण की संख्याएं सम हैं तो आपका आंसर हमेशा धन में आएगा, यानी धनात्मक आएगा। अब यदि मैं आपको एक ऋणात्मक वाली बताऊं कि देखिएगा मैं लिख दूं कि पांच गुणित माइनस का दो, गुणित में एक, गुणित में माइनस का चार, गुणित में माइनस का दो, यदि इसका आंसर निकालूं तो आपको पता है ऋण की संख्या देखो एक, ऋण की संख्या दो और ऋण की संख्या है तीन। इधर पर ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं, और मैंने बताया कि जब ऋणात्मक संख्याएं विषम हो तो हमेशा आपका आंसर ऋण में आता है। तो दो को गुणा चार में करोगे, दो चौको आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह पंचे अस्सी, मतलब माइनस का अस्सी आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप कर सकते कि ऋण की संख्याएं सम हो तो आंसर धनात्मक होगा और ऋण की संख्याएं विषम हो तो आंसर ऋणात्मक आएगा। क्लियर, ये तो गुणा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे तो हमने पढ़ लिए। अब बात करेंगे हम भाग से रिलेटेड कि दोस्तों भाग में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए यदि संख्याओं के अंश और हर समान, अंश और हर के मान यदि समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है हमेशा, और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो हमेशा ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। जैसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, यदि मान ले ऊपर की संख्या धनात्मक है और नीचे की संख्या भी धनात्मक है तो आंसर हमें प्राप्त होगा धन में, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा यदि ऊपर की संख्या धनात्मक है और नीचे की संख्या ऋणात्मक है तो आंसर प्राप्त होगा हमें ऋण में। तीसरा यदि ऊपर की संख्या ऋण में है और नीचे की संख्या ऋण में है तो आंसर प्राप्त होगा हमें धन में। अब यदि नेक्स्ट यदि ऊपर की संख्या ऋण में है, नीचे की संख्या धन में है तो आंसर प्राप्त होगा ऋण में। इतनी बात आपको क्लियर रखना है, यदि ऊपर की संख्या धनात्मक और नीचे की धनात्मक तो आंसर धन में प्राप्त होगा, ऊपर की धन में नीचे की ऋण में तो आंसर ऋण में प्राप्त होगा, और ऊपर की संख्या ऋण और नीचे की भी ऋण तो धनात्मक प्राप्त होगा। कैसे होगा
मैंने मान लिया 8/2, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, 2 × 8 तो मुझे 4 मिला धनात्मक। यदि ऊपर की संख्या 8 और नीचे की संख्या -2 मान ली तो 2 × 2 = 8 तो मतलब -1 है तो -7 में रहेगा, आंसर ऋण में 4 मिल गया। ऊपर की संख्या 8 और नीचे की संख्या 2, यदि ये भी ऋण में है ये भी ऋण में है तो 2 × 2 = 8 और ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 4 धन का। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। इसके बाद यदि 8 ऋण में है और धन का 2 है तो 2 × 2 = 8, अब ऋण इसके साथ में क्योंकि ऋण किसी से कटा नहीं तो ऋण होगा 4, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपको बात यहां पर क्लियर हो गई भाग से रिलेटेड कि आपको सारी चीजें इस प्रकार से देखना है। तो दोस्तों ये हमने आज फर्स्ट वीडियो में पूरा बेसिक चिन्ह से रिलेटेड देख लिया है। अब यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो दोस्तों मुझे कमेंट्स जरूर करना और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत से और कलेक्शन के लिए आपके लिए बनाया है। और दोस्तों आपको जरूर बेनिफिट्स होगा इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का, आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होंगी वो गलतियां बच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।